पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज आराधना क्रम का वर्ष आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार एक साल जनवरी 1 को प्रारंभ होता है, उसी प्रकार मलंगरा सीरियन कैथलिक चर्च में नवंबर के पहले रविवार या अक्टूबर के अंतिम रविवार में आराधना क्रम का वर्ष आरंभ होता है। तो आज पहला रविवार है। इस रविवार को कूदोश ईतो सिरियक भाषा में कहा जाता है। कूदोश का अर्थ है पवित्र करना, ईतो का अर्थ है चर्च। तो यह कलीसिया के पवित्रीकरण का रविवार है और आज हमारे मनन चिंतन के लिए चर्च ने मैथ्यू के सुसमाचार 16वें अध्याय के 13 से लेकर 23 तक के ईश वचन हमें दिए हैं। ईसा मसीह अपने शिष्यों को मैथ्यू के सुसमाचार 16वें अध्याय के 12वें वाक्य में फरीसियों और सदूकियों की गलत शिक्षा से सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि यहूदियों ने ईसा मसीह को ठीक से पहचाना नहीं था। वो ईसा मसीह को झूठा मानते थे और वह अपनी गलत शिक्षा दूसरों को देते थे। तो इन सबसे सावधानी बरतने के लिए ईसा मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं और उसके बाद अपने शिष्यों को लेकर वे गलीली झील से 20 मील दूर कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में पहुंचते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहूदियों की जगह से गैर यहूदियों के प्रदेश कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश में ईसा मसीह अपने शिष्यों को लेकर आते हैं। रोम के चक्रवर्ती को कैसर का टाइटल दिया जाता था, जूलियस कैसर या जूलियस सीजर। तो अगस्टस सीजर ने ये शहर बनाया था और उस शहर को उन्होंने हेरोद महान राजा को तोहफे के रूप में दिया था। और हेरोद राजा के पुत्र फिलिप राजा ने उस शहर का नाम कैसर के आदर में और अपने नाम के लिए कैसरिया फिलिप्पी रख दिया। कैसर के द्वारा दिया गया शहर और फिलिप्पी राजा का नाम, तो दोनों को मिलाकर है कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश। ये प्रदेश, ये शहर जो है, वह मूर्ति पूजा का केंद्र था। वहाँ पर बहुत से देवताओं की पूजा की जाती थी। तो यहूदियों की जगह से दूर गैर यहूदियों के शक्ति केंद्र में प्रभु ईसा मसीह दूसरे देवताओं की मूर्ति पूजा करने वाली जगह पर अपने शिष्यों के साथ आते हैं और अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। शिष्यों ने कहा कि कुछ लोग आपको ये कहते हैं कि आप योहन बपतिस्ता हो, योहन बपतिस्ता जी उठा है आप में। कुछ कहते हैं कि आप एलियस हो, नबी हो। कुछ कहते हैं कि आप यरमियस या नबियों में से कोई है। तब ईसा उनसे पूछते हैं कि वो सब छोड़ो, अब तुम बोलो तुम क्या कहते हो, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ। यहूदियों के डर से दूर, उनसे बहुत दूर एक जगह पर आकर बिना किसी डर के, झिझक के, संकोच के, तुम बोलो तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो, मैं कौन हूँ, तुमने मुझे कैसे समझा है, क्या समझा है। और दूसरी बात, यहाँ पर गैर यहूदियों के केंद्र में जहाँ पर पान देवता का बड़ा मंदिर है और यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति पूजाएं होती हैं, उन देव देवताओं की उस जगह पर तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे भी देव देवताओं में से एक की तरह समझते हो। देव देवताएं वहाँ पर ईश्वर के पुत्र थे, राजा अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानता था, तो क्या तुम उसी तरह मुझे भी ईश्वर का पुत्र मानते हो जिस प्रकार की गैर यहूदी सोचते हैं। तब मैथ्यू के सुसमाचार 16वें अध्याय के 16वें वाक्य में पेत्रुस कहते हैं कि तुम मसीह हो,
जीवंत ईश्वर के पुत्र हो। पेत्रुस के मुंह से सबसे बड़ा सच निकला, यीशु कौन है, इस विषय में सबसे बड़ा सत्य वहां पर उजागर होता है। प्रभु पेत्रुस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये सच मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर प्रकट किया है, बिना उसके तुम ये कहने की क्षमता तुम में नहीं है। तुम धन्य हो योनस के पुत्र पेत्रुस। और प्रभु ये कहते हैं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। सिमोन को यीशु मसीह एक नया नाम दे रहे हैं। उसके पहले किसी का भी नाम पेत्रुस नहीं था। पेत्रुस नाम का अर्थ है चट्टान, अरमायक भाषा में केफा, तो प्रभु ने उसे केफा कहकर पुकारा। ग्रीक भाषा में इसे सीफस कहा जाता है, इसका अर्थ है चट्टान। तो इतिहास में पहली बार किसी एक इंसान का नाम चट्टान रखा जा रहा है, वो है प्रभु। और प्रभु इसे ये जताना चाहते हैं कि जो कुछ भी उसने कहा है वही सच है। इस विश्वास में चट्टान की तरह इंसान को अडग रहना पड़ेगा। और वहाँ पेत्रुस को अपनी कलीसिया का प्रथम बना रहे हैं प्रभु, नियुक्त कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरी कलीसिया चट्टान की नींव पर बनी हुई है, और अधोलोक की शक्ति भी इस नींव को हिला नहीं सकती, मेरी कलीसिया को हिला नहीं सकती, क्योंकि ये मेरी कलीसिया है, पेत्रुस की कलीसिया नहीं है, मेरी कलीसिया प्रभु ईसा मसीह की कलीसिया है। और नरक की शक्ति, पाताल की शक्ति, कोई भी शक्ति इस चर्च को कभी भी नहीं तोड़ सकती, हिला सकती है। प्रिय भाई और बहनों, हमें कैथलिक कलीसिया में होने पर गर्व करना चाहिए। यही एक सच्ची कलीसिया है जिसकी नींव प्रभु ने रखी है, और उसके नेतृत्व में प्रभु ने ही पेत्रुस को नियुक्त किया है जो कि पहले पोप हैं। और ये प्रभु का वादा है कि ये कैथलिक कलीसिया प्रभु की कलीसिया है, इस पर कोई भी आंच नहीं आ सकती, चाहे कितनी भी शक्तियां इसके खिलाफ युद्ध कर ले, चाहे कितनी भी शक्तियां व्यक्ति इसे तोड़ने की कोशिश करे, मेरी कलीसिया हमेशा मजबूत रहेगी क्योंकि वह प्रभु की कलीसिया है। प्रेरित चरित्र ग्रंथ में साउल जो कलीसिया को पीड़ित कर रहा था, ईसाइयों पर अत्याचार कर रहा था, उस साउल को जब प्रभु के दर्शन होते हैं तो प्रभु साउल से पूछते हैं, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो, क्यों मुझ पर अत्याचार ढा रहे हो। तब साउल पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि कलीसिया को कोई छूने की कोशिश करता है, कैथलिक कलीसिया को कोई पीड़ित करने की कोशिश करता है, आक्रमण करने की कोशिश करता है, किसी भी एक ईसाई पर अत्याचार करने की कोशिश करता है, तो वह सब ईसा मसीह पर किया जाने वाला अत्याचार है, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर है ये कैथलिक कलीसिया। ईसा मसीह अपने आप को कलीसिया से और कलीसिया को अपने आप से अलग नहीं मानते हैं, इसलिए कलीसिया के खिलाफ जाना उसका अर्थ है ईसा मसीह के खिलाफ जाना, क्योंकि वह ईसा मसीह की कलीसिया है, सच्ची कलीसिया है। और आज इस कैथलिक कलीसिया में 266वें पोप हैं, पोप फ्रांसिस। पहले पोप पेत्रुस थे तो उसमें 266वां स्थान है पोप फ्रांसिस का। 2000 साल से ये कलीसिया अटूट है। 5,500 बिशप्स हैं इसमें, 800,000 पुरोहित हैं, 123 करोड़ विश्वासीगण हैं। तो हमें आज के दिन पवित्र कलीसिया के महत्व को समझना है। यह प्रभु के द्वारा ही स्थापित की गई है, प्रभु ही इस कलीसिया का संचालन करते हैं, और प्रभु अपने शिष्यों के द्वारा, पेत्रुस के द्वारा और उनके साथ मिले अन्य शिष्यों के द्वारा इस कलीसिया को आगे लेकर जा रहे हैं। और उस पेत्रुस के स्थान का हमेशा आदर किया जाना चाहिए। विश्व भर में फैली कलीसिया के चरवाहे हैं वो पोप, जो कि प्रभु के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं।
तो हमें अभिमान करना चाहिए इस कैथलिक कलीसिया का हिस्सा होने पर। यहीं पर हम हमारे सच्चे प्रभु को जानते हैं, सच्चे प्रभु को पहचानते हैं। प्रभु आज हमसे ये पूछ रहे हैं कि दुनिया भर में बहुत सारे लोग बहुत सारी तरीकों से मुझे समझते हैं, कुछ लोग मुझे झूठा मानते हैं, कुछ लोग मुझे देव देवताओं में से एक मानते हैं, कुछ लोग मुझे सिर्फ एक गुरु मानते हैं, कुछ लोग मुझे सिर्फ एक नबी मानते हैं, लेकिन तुम बोलो तुम्हारे लिए मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब आज हमें देना पड़ेगा कि प्रभु ईसा मसीह मेरे लिए कौन है, वो मेरे क्या हैं। क्योंकि सच्चे प्रभु को जाने बिना हम उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय में समारी स्त्री से ईसा मसीह वार्तालाप करते हैं, तब वो पूछती है कि हमें कहाँ पर आराधना करनी चाहिए, गेरिसीम पर्वत पर करनी चाहिए या यरूशलेम पर्वत पर करनी चाहिए। तब प्रभु कहते हैं कि किसी किस पर्वत पर आराधना करते हैं वह महत्व नहीं रखता, कैसे आराधना करते हैं वह महत्व रखता है। कैसे आराधना करना है? आत्मा और सत्य में आराधना करना है, वही है यथार्थ आराधना। इसका अर्थ क्या है? आत्मा वहां पर पवित्र आत्मा ही है, सत्य सत्य ईसा मसीह स्वयं है। तो हमें ईसा मसीह के साथ पवित्र आत्मा के साथ मिलकर पवित्र आत्मा की शक्ति से सत्य ईश्वर को जानते हुए पिता ईश्वर की आराधना करनी है, वही है सच्ची आराधना। क्योंकि सच्चे प्रभु को सिर्फ और सिर्फ ईसा मसीह ने प्रकट किया है। सच्चे प्रभु को जानना ही हमें जीवन प्रदान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय के 3रे वाक्य में हम पढ़ते हैं, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। ईसा मसीह पिता के द्वारा भेजे गए हैं, इस बात पर हमें विश्वास करना है, यही हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। जो ईसा मसीह को देखता है वह पिता ईश्वर को देखता है। पिता पुत्र को प्रकट करते हैं और पुत्र पिता को प्रकट करते हैं, और पवित्र आत्मा ईसा मसीह कौन है, वे सच्चे प्रभु हैं, इस बात को हमें समझाते हैं। हम पिता ईश्वर के पुत्र हैं, इस बात को हमें बताते हैं, और पवित्र आत्मा ही हमें सत्य की पूर्णता की ओर ले जाते हैं। इसलिए संत पौलुस ने कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र के 12वें अध्याय के 3रे वाक्य में कहा कि ईश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर यह नहीं कहता ईसा शापित हो, कोई पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता ईसा ही प्रभु हैं। बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा के कोई नहीं कह सकता कि ईसा प्रभु हैं। तो आत्मा और सत्य में की जाने वाली आराधना का अर्थ है सच्चे ईश्वर को जानना, समझना और उनकी आराधना करना। सच्चे ईश्वर कौन है? पिता ईश्वर, जिन्हें पुत्र ईश्वर ने हमारे सामने प्रकट किया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ही सत्य ईश्वर हैं, उनकी आराधना करना। उनकी आराधना करना कैसे संभव होता है? जिस प्रकार ईसा मसीह ने पिता ईश्वर से प्रार्थना की, आराधना की, उसी प्रकार ईसा मसीह में प्रवेश कर ईसा मसीह के शरीर का अंग बनकर हमें पिता ईश्वर की आराधना करना है। और ईसा मसीह के शरीर का अंग हमें कौन बनाता है? पवित्र आत्मा बनाता है। ईश्वर की आराधना करना हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। तो इस प्रकार ईसा मसीह से एक होकर पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर की आराधना करना ही यथार्थ आराधना है। और वह अपने परिपूर्ण रूप में हम सिर्फ कैथलिक कलीसिया में देखते हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि हम पवित्र कैथलिक कलीसिया के अंग हैं और ईश्वर को सही तरीके से जानने, समझने, ईसा मसीह के शरीर का अंग बनकर पवित्र आत्मा की शक्ति से पिता ईश्वर की आराधना करने का सौभाग्य हमें यहाँ पर मिला है। हम भी पवित्र जीवन बिताएं, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर आपको अनुग्रहित करें।